डायरेक्ट विश्राम स्थली पर जाय रेणु को फोन चार्ज करने की हो रही है समस्या, घंटों खड़ा रहना पड़ता है लाइन में। दूसरी ओर नासिक से ढोलियों ने करतब करते हुए बजाया ढोल। 807 वर्ष मेले में प्रशासन द्वारा की गई कार्य विश्राम स्थली व्यवस्था से लोग खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन जायरीनों को फोन चार्ज करने की समस्या आ रही है। जायरीनों का कहना है कि फोन चार्ज करने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, जिसके बाद फोन जब तक चार्ज ना हो तब तक फोन के पास ही खड़े रहो। इसके अलावा दूसरी और नासिक से आए ढोली ने ढोल बजाकर एक से करतब करे, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई। किस चीज की लाइन में खड़ा है? क्या है? चार्जर करने के लिए 2 घंटे से लाइन में है। कितने पॉइंट है यहाँ पर? 8 है। तो कितने नंबर आ रहा है? 1 घंटा। कल तो 2 घंटा 3 घंटा लग जा रहा है। अच्छा अच्छा, नाम बताओ तुम्हारा? मेरा नाम शिवली है। यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही क्या है? कैसे इंतजाम है? इंतजाम तो सब सही है, थोड़ा चार्जिंग के लिए दिक्कत हो रही है पब्लिक को। अच्छा, बस क्या चार्जिंग में कोई चार्ज वाइज लग रहा है क्या? चार्ज कोई चार्ज का कोई चार्ज नहीं लगता है। अच्छा, किस तरह से फोन के पास ही बैठा रहना पड़ता है? हाँ, नहीं तो यहाँ से बहुत टिपोरी घूम रहे हैं इसमें। है? हाँ। नाम बताइए आपका। नाम मोहम्मद फरहाद बेग। नासिक से आए इधर, हमारे कम से कम 15 से 1 साल इधर हो गए अजमेर में आते हुए। अभी हमारा लड़का है ये, जो इसको अजमेर में अभी हम बताने के लिए थोड़ा ये करने के लिए लाए हैं, और वह आए तो हम लोग को अच्छा लगता है अजमेर में, पब्लिक भी खुश होती है और पब्लिक के चाहने वाले भी हम लोग हैं, वो अच्छा लगता है, हम लोग खुश होते हैं अजमेर जब आते हैं। हम लोग तो नहीं गए सर, और यानी कि पब्लिक भी इतनी अच्छी लगती है, देख के बहुत खुश होती है हमारे। हम लोग 12 लड़के लोग गए थे अजमेर में, अभी यार पब्लिक भी इतनी अच्छी लगती है, ऐसे नहीं गए सर, कुछ बजरा है इधर। इसलिए से हम लोग ढोल घुमाते हैं, फिर उसके ऊपर उसको पलटी मारने लगाते हैं, उसके ऊपर चार इतने गरीबी रहते हैं हम लोग, और थोड़ा डांस भी करके थोड़ा पब्लिक को खुश करते हैं हम लोग, कि अलग है, उनको दिल को अच्छा लगे कि हाँ कि अजमेर में कोई ढोल बज रहा है अभी। यहाँ पर क्या कमाने के उद्देश्य है? नहीं, कमाने के लिए सिर्फ खाजा के दरबार के लिए आते हैं हम लोग इधर। चादर लेके अभी आ रहे हैं हम लोग, अभी जा रहे हैं बाहर जब आते हैं चादर अजमेर शरीर पे चढ़ा देंगे। ये चादर किसकी तरफ से? ये चादर भाई की तरफ।